नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा की सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं और उपचुनाव में किए गए बड़े बड़े वादे भी ढोल नगाड़ों की आवाज में गुम होते नजर आ रहे हैं और किसान अभी भी खाद की किल्लत से जूझता नजर आ रहा है। ग्वारा में ऐसा ही कुछ दृश्य देखने को मिला, जहां पर तहसील तिराहे पर किसानों द्वारा खाद के लिए जाम लगा दिया गया। सहकारी समिति सेवार के 14 गांवों के किसानों ने डीएपी खाद को लेकर ग्वारा के तहसील चौराहे पर 11 बजे चक्का जाम कर दिया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में दोनों तरफ से वाहन जाम में फंसे रहे और किसानों का नेशनल हाईवे पर हंगामा चलता रहा। किसानों ने चक्का जाम लगाते हुए कहा कि हम सभी किसान डीएपी खाद को लेकर परेशान हैं, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई भी नहीं है। किसानों की मांग थी कि सेवार सहकारी समिति में डिफाल्टर किसानों को खाद दिया है और जो किसान सही से खाता चला रहे हैं उन्हें खाद नहीं दिया गया। वहीं जिला सहकारी बैंक शाखा प्रबंधक ग्वारा संतोष पांडे के द्वारा किसानों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही किसानों के जाम लगने की खबर लगी, तहसीलदार ग्वारा रविशंकर शुक्ल और टीआई भगवा के खनेजा और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा, लेकिन किसान नहीं माने। इसके बाद एसडीएम बड़ा मलहरा विकास कुमार आनंद के मौके पर पहुंचने के बाद किसानों से बातचीत की गई और आश्वासन दिया गया कि सभी को पर्याप्त मात्रा में खाद दिया जाएगा, तब जाकर किसानों ने जाम खोला। इस दौरान ग्राम कचिया, पनिया, स्वारा, धर्मपुरा, ढड़ौरा, बारो, छुल्ला, भदौरा और टिकरिया के किसान मौजूद रहे। सोसाइटी में जो हमने डेटा निकलवाया है वहाँ पर्याप्त मात्रा में खाद आया है और किसानों की संख्या 1100 थी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अनियमितता हुई हो या इसकी आशंका है। तो अभी मैं फिलहाल इनको किसान भाइयों को आश्वासन दिया हूँ, आश्वस्त किया हूँ कि हम उसकी जांच कराएंगे, यदि वो दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई भी करवाई जाएगी। दूसरा, अभी जो चूँकि खाद है हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद है, डबल लॉक सिस्टम में हमने कैश के साथ किसानों को खाद के लिए व्यवस्था करवाई है और बाकी हमारे सभी सोसाइटी में खाद कल तक आ जाएगा।